So, hey yo, what is up, people? It's me, Sourv Kapil, Lecture Tech Nasaro. And guys, आज के दिन मैं आपको देने वाला हूँ Resident Revolution 3D का 2K21 mod. जी हाँ guys, ये one of the best mods होने वाला है. And इसमें काफी ज्यादा unique and interesting features है, जैसे कि आप देख सकते हैं NXT Halloween Havoc तो आपको देखने के लिए मिल ही चुका है. यहाँ पे आपको full commentary mod देखने के लिए मिलने वाला है. And और भी बहुत सारे features है जो आगे मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. आपको करना है वीडियो देखना है लास्ट तक. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना. सो विदाउट बीइंग फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, ये जो मोड है कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं दी रॉक है लोडिंग स्क्रीन पे, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं. एंड यहाँ पे जो वर्जन है वो है 1.62. बैक स्टेज पास आपको देखने के लिए मिल जाता है. एंड दिस मोड इज क्रिएटेड बाय द रेस्टिंग रेवोल्यूशन 3D मेनिया. सो आई यू शाउट आउट टू हिम, लिंक टू हिज चैनल गिवन इन डिस्क्रिप्शन, यू गाइस कैन चेक हिम आल्सो. सबसे पहले गाइस भाई लोडिंग कंप्लीट होने देनी है. लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है तो अब मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले सेटिंग्स जो आपको फॉलो करनी है. तो गेम स्पीड आपको रखनी है 220 से 240. एंड अगर आपको और स्मूथनेस चाहिए तो आप 550 तक जा सकते हैं. डिस्प्ले में हम यहाँ पे जाएंगे तो आपको शेडोज को यहाँ पे बेसिक या फिर ऑफ रखना है ताकि आपका गेम और ज्यादा स्मूथ चले. एंड यहाँ पे रोप्स को आप स्टेटिक पे रख सकते हैं. यहाँ पे आपको एरिनाज देखने के लिए मिल जाते हैं NXT का, वो भी हेलोइन हैवॉक वाला रीसेंट वाला एरिना जो अभी हुआ था. एंड वहाँ पे आपको थंडरडोम भी देखने के लिए इसी में मिलने वाला है. बाकी यहाँ पे एरिनाज की बात करें तो रेसलमेनिया 36 है, AEW है, यहाँ पे इम्पैक्ट है, NJPW, ROH, रेसलिंग रेवोल्यूशन, फेडरेशन ऑनलाइन, रॉ, स्मैकडाउन लाइव. एंड यहाँ पे आपको यही सभी एरिनाज देखने के लिए मिल जाते हैं. तो आप अपने हिसाब से एरिनाज को लगा सकते हैं. एंड ये बात हो गई गाइस हमारी सेटिंग्स की. तो ये सेटिंग्स फॉलो करने के बाद आपका गेम बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलने वाला है. अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से हमारे एक रोस्टर की, तो मैं आपको दिखा दूं उसमें बिल्कुल अपडेटेड रोस्टर देखने के लिए मिलता है. सबसे पहले हम देख लेते हैं रॉ का रोस्टर, जहां पे आप देख सकते हैं कि रैंडी ऑर्टन ही हमें चैंपियन देखने के लिए मिल रहे हैं. यहाँ पे बॉबी लैशली देन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, देन कॉफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, स्टैक चैंपियंस, देन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं एंजल गार्जा, ब्रॉन स्ट्रोमन, एजे स्टाइल्स, एलायस, टक्कर, शेल्टन बेंजामिन. यहाँ पे MVP देखने के लिए मिल जाते हैं. तो यहाँ पे आपको हर्ट बिजनेस देखने के लिए मिल गई, द फील्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, मैट रिडल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे. एंड यहाँ पे आपको शेन मैकमैन, मुस्तफा अली, डबा कैटो एंड आपको बाकी सारे सुपरस्टार्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे जिंदर महाल, टी बार, स्लैब जैक. तो आपकी पूरी रेट्रीब्यूशन भी यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिल जाती है. बात करते हैं यहाँ पे स्मैकडाउन के रोस्टर की. तो स्मैकडाउन में रोमन रीन्स हमें एज चैंपियन देखने के लिए मिलते हैं, देन सैमी जेन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, मोंटेस फोर्ड एंड एंजेलो डॉकिंस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं एज टैग चैंपियंस, लास्ट सलेवन यहाँ पे हैं, सिजारो हैं, बिगी हैं, देन यहाँ पे शिंसके नाकामुरा हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, देन यहाँ पे जे उसो एंड जिमी उसो भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, रे मिस्टीरियो यहीं पे हैं, डोमिनिक भी यहीं पे हैं. एंड यहाँ पे आपको ओटिस देखने के लिए मिल जाते हैं, डैनियल ब्रायन, मर्फी, सेथ रॉलिंस. एंड आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो लेटेस्ट रोस्टर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. बात करते हैं हम यहाँ पे NXT भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिन बैलर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं NXT चैंपियन, एंड जॉनी गर्गानो एज जो आपको नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन अभी वो जीते हैं, तो यहाँ पे वो भी अपडेट कर दिया गया है. बाकी आपको डेमियन प्रीस्ट, काइली ओरेली, एडम कोल, फेंडेंगो, रेडरिक स्ट्रॉन्ग, बॉबी फिश, तो आपको सभी देखने के लिए यहाँ पे भी मिल जाते हैं. बात करते हैं जल्दी से AEW के रोस्टर की. तो यहाँ पे आपको जॉन मॉक्सली एज चैंपियन देखने के लिए मिल जाते हैं, देन कोडी STNT चैंपियन, देन पूरी FTR की टीम है, स्टैक चैंपियंस, स्कॉर्पियन स्काई, निक जैक्सन, मैट जैक्सन, यहाँ पे आपको ऑरेंज कैसिडी देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, देन आपको फिनिक्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, पैक जो कि रिटर्न करने वाले हैं तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जेक हेगर, सैमी गुवारा, ओटिस, सेंटेना, तो आपको सारा क्रिस जेरिको, तो पूरा इनर सर्कल भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है. अब गाइज इसमें आपको मैं सबसे अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पे आपको जो है वो करेक्ट एंट्रेंस सॉन्ग देखने के लिए मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको जो है वो कमेंट्री जो है वो ओरिजिनल वाली देखने के लिए मिलने वाली है. जी हाँ गाइस, यहाँ पे आपको ओरिजिनल वाली जो कमेंट्री है वो देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाली है. तो यहाँ पे जल्दी से एक मैच खेल के दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको पता लग जाए कि ग्राफिक कैसा है ओवरऑल. एंड यहाँ पे हम लेंगे हमारे रोमन रेंस को, एंड यहाँ पे हम लेंगे वर्सेज में जे उसो को, आई गेस, तो जे उसो को ले लेते हैं. एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कैसा हमें जो है वो मैच देखने के लिए मिल जाता है. तो यहाँ पे हम ये वाला मैच अब प्ले करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने प्ले पे टैप कर दिया है. एंड यहाँ पे आपको कमेंट्री जो है गाइस वो फुल मिलने वाली है. एंड आप देख सकते हैं ये स्क्रीन भी कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, यू वर्सेस अपोनेंट वाली. तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़िया मोड है, कमेंट्री फुल है, रिपीटेड वाली नहीं है. जो मुझसे बोल रहे थे भाई लोग कि भाई रिपीटेड वाली नहीं चाहिए, तो वो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है. थीम सॉन्ग्स ओरिजिनल है. एंड अब मैच स्टार्ट हो चुका है. आप देख सकते हैं थंडर डोम कितना बढ़िया लग रहा है गाइस. एंड यहाँ पे आपको मैं थीम म्यूजिक भी यहाँ पे
सुनाने वाला हूँ। तो यहाँ आ चुके हैं उसोस सबसे पहले। तो आपने सुना, एंड अब आएंगे हमारे रोमन रेंस। तो आपने यहाँ पे सुना रोमन रेंस को भी, एंड कितने ज्यादा बढ़िया लग रहा है गाइस ओवरऑल थंडरडोम का एरिना। कोई लैग नहीं है, कुछ नहीं है, एंड यहाँ पे पॉल हेमन भी साथ में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आपको हल्का बहुत कमेंट्री भी मैं सुना देता हूँ गेम प्ले के साथ में, फिर आप बताना आपको कैसा लगा ये वाला मोड। तो देखा गाइज आपने, आपको यहाँ पे फुल कमेंट्री मिलती है, यहाँ पे आपको जो है वैसी वाली कमेंट्री देखने के लिए नहीं मिलती है। तो फुल कमेंट्री यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पे फुल कमेंट्री आप सुन चुके हैं, एंड काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है गाइज मुझे तो ये वाला मोड। तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो, मैंने आपको बताया इतने स्पेशल मोड के बारे में, इतने तगड़े मोड के बारे में, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, एंड आपको भी काफी ज्यादा बढ़िया लगना चाहिए। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।